मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। तुम्हारे लाला भी यही चाहते हैं कि तुम सिकंदर के रिश्ते के लिए हाँ कह दो, क्योंकि तुम्हारे लाला ने आइंदा इस हलके से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया और सिकंदर की हिमायत के बगैर उनका जीतना नामुमकिन है। लिहाजा ये रिश्ता होना उनके लिए अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया। क्या करूं? इन रिश्तों के भरम से ना मेरा दिमाग फट जाएगा। ये सब मुझे इतना मजबूत समझते हैं। भाभी मैं नहीं हूं मजबूत, मैं कमजोर हूं, मैं बहुत बहुत कमजोर हूं, मैं अंदर से टूट चुकी हूं, मैं नहीं हूं मजबूत। मैं किस तरीके से समझाऊं इन सब लोगों को? हाँ जानती हूँ माही, इसीलिए तो कह रही हूँ। मत जुल्म करो अपने ऊपर, अपनी दिल की आवाज सुनो। पता चला कुछ? नहीं साई, हर तरफ देख चुके हैं, आसपास की हर बस्ती को खंगाल लिया है, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। उसका मिलना बहुत जरूरी है। जिंदगी के अहम फैसले में शामिल करना चाहता हूं मैं उसे। मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ निभाया उसने मेरा। बड़ा शहर है साईं, अगर कोई खुद को छुपाने के लिए इसमें अपने आप को गुम कर दे तो फिर उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो अकेली तो नहीं है ना, वो चंदा जी भी हैं उसके साथ। ऐसे भी शहर के आसपास किसी भी बस्ती में दो खवातीन का अकेले छुप जाना नामुमकिन है। अपने आदमियों से कहो कि इस जावी से भी ढूंढने की कोशिश करें उन्हें। जी सही, जो कब। चाची देखे, मानो फिर चीटिंग कर रही है। चाची देखे ना। क्या हुआ? चाची मैं चीटिंग नहीं करी, इसको खेलना नहीं आता। चलो बच्चों, अपनी चाची को तंग मत करो, कमरे में जाओ, सोने का वक्त हो गया। बाबा साईं अभी थोड़ी देर तो ये चाची के साथ खेलते खेलते, प्लीज थोड़ी देर और खेलने दे। बानो बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सोने का वक्त हो गया, आ जाओ। माई, मेरी बात सुन के जाना। समझ नहीं आ रही तुमसे बात कैसे करूं, लेकिन अम्मा साईं ने शायद तुमसे अपनी फरमाइश का इजहार कर दिया हो, तुम्हारे घर वालों से भी बात कर दी हो। जी देखो माई, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल दिमाग से हर बोझ, हर वफा की कर्ज को निकाल कर ये फैसला खुद करो। देखो इंसान ना कभी कभार रिश्तों की चाह में खुद कर्ज हो जाता है। मैं समझ सकता हूं अम्मा साहन इस वक्त घर छोड़ना चाह रही हैं, लेकिन वो इसमें जिंदगी की तड़ हकायक को नजरअंदाज कर रही हैं, उन्हें तस्लीम नहीं करना चाह रही। माँ जी मेरे लिए बहुत मोहतरम है और
सच तो यही है ना कि लाला साईं की दुश्मनी की वजह से उन्होंने अपना बेटा खोया है। तैमूर अम्मा साईं का सबसे ज्यादा लाडला था। उसके जाने के बाद अम्मा साईं के चेहरे से खुशियां मुस्कुराहट जैसे हमेशा के लिए खो चुका था मैं, लेकिन तुमने उन्हें जिंदगी की रमक वापस लौटाई है। इतना ज्यादा खुश हंसता मुस्कुराता मैंने उन्हें जिंदगी में कभी नहीं देखा जितना आजकल देख रहा हूं। अरे सारा और सारा कमाल तुम्हारा है। अगर मैं एक दुखी माँ का बेटा होकर तुमसे सवाल करूं कि मेरी माँ की खुशियों को कभी खत्म ना होने देना, तो ये बात शायद जायज हो, लेकिन मैं फिर भी इसे खुदगर्जी ही समझूंगा। मैं बच्चों को सुला दूं। माही, तुमने अपना फैसला नहीं सुनाया। ये रीत, ये रस्म और रिवाज, इनकी बेड़ियां हम जैसी लड़कियों को आजाद होने के बावजूद आजाद रहने नहीं देती, इसलिए आप परेशान ना हो। मेरे मुकद्दर में जो भी लिखा है वही होगा। अम्मी क्या हुआ है, तबीयत ठीक है आपकी? क्या होने, क्या होने, ढीठ को क्या होने? एक मेरा फीदी चला गया, फिर भी सांस आ रही है मुझे, सांस आ रही है मुझे। कैसी बातें कर रही? खुदा के लिए तुम लोग मेरे हाल पर करो, मुझे एक दफा उसकी खबर पे ले जाओ, मुझे एक दफा उसके पास ले जाओ, शायद मुझे सुकून आ जाए, शायद। अम्मी, सजाद भाई ने वादा किया तो है, डॉक्टर इजाजत दे दे और आपकी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो हम सब साथ चलेंगे। डॉक्टर तो मेरे मरने तक यही दिलासे देते रहेंगे, मेरे से जबर नहीं होता खुदा के लिए, मुझे ले चलो, मेरे पास बहुत कम वक्त है, मुझे एक दफा ले जाओ उसके पास। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें अम्मी? कुछ नहीं होगा आपको, आप में जान बसी हम लोगों की, आपको कुछ नहीं होगा। तुझे पता है, पता है, तुझे पता है, मुझे पता है, मुझे बुलाता है, आवाज़ें देता है, मुझे मुझे बुलाता है, कहता है माँ आ जाए, मुझे कुछ से बात करनी, मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाओ, माँ बेटा बात करना चाहती, मुझे ले जाओ उसके पास, वरना मैं इसे मर जाऊंगी, तड़प तड़प के मर जाऊंगी। बासरा, ऐसे खुद को हलकान मत करो, तुम्हारी अगर यही जिद है तो हम सब लेकर चलेंगे तुम्हें। मगर अब्बा, जानता हूं बेटा, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन अगर एक मां के दिल को चैन डॉक्टर के दवाओं से मिलता तो और क्या चाहिए था। जाना तो पड़ेगा, तुम सज्जाद से कहो, फोन करो, उसे कहो कि टिकटें करवा ले, कल की ही करवाए, कल ही चलते। जी अब्बा।
माई ऐतन क्यों खड़े होती है पुत्र? माँ जी मैं तेको मेहमान खाने में ढूंढ रही थी। अंदर दिल घबरा रहा था थोड़ा, तो सोचा अब यहाँ बाहर आ जाऊं। क्या परेशानी है पुत्र? अपनी माँ जी नहीं दसेगी? कोई परेशानी नहीं है माँ जी, आ जाए अंदर चलते। माई पुत्र अपनी हवेली थी खुशियां मंगण आई है, देखो मिंडी चोली भर दे। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं, शर्मिंदा क्यों कर रही हैं आप मुझे? मेरे को पता है मेरा माँ आने तो मेरा परम नहीं तोड़ेंगी। तेरे माँ प्यो को मैं मांग लिया और फैसला तू करना है पुत्र। तू मेरी थी है ना, मेरी अपनी थी। सिकंदर सिकंदर मेरा बहुत चंगा पुत्र है, सोना पुत्र है, तेरे पल्ले नाल बन के रहेगा, होर किधर ना जासी। सिकंदर बहुत खुश रखेगा तेको, ओदे बच्चियां नू प्यार करने वाली मां मिल जासी, उन्हां नू मां मिल जासी, मैं सुख नाल मर सा। जी कैसी बातें कर रही हो, अभी तो आपने बहुत जीना है, बहुत सारी खुशियां देखनी है सवेरे की, बच्चों को, मुझे, इस हवेली को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अपनी माँ जी ने जिंदा देखना चाहती है ना, मिंडी चोली भर दे पुत्र। जी चलें, हम तैयार हैं। पता तो चले क्या बात है, छोटी सैन की बड़े साई के साथ बात पक्की थी गई है। बीबी सैन आमना नु खोलते सही ना खाना भी पीते सी। बहुत बहुत मुबारक, मुंह मीठा करो। मैंने कहा था ना आपको, मेरी माई अपनी माँ जी की गाल कभी टालेगी नहीं। तो बड़ा मान है अपनी पीते, पर मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो जागीरदारनी जी। मुंह मीठा करना पुत्र, तेरे भी मुबारक हो। तू भी तो मेरी माई की तरह मेंढी थी है ना, बस अब मेंढी माई मेरी हवेली की रौनक बन जासी।
तूने मेरे सिकंदर के लिए तैयार करके भेजना है उसे। मेरी माई द चंद का टुकड़ा है, पर उसकी मांग सितारे तू नहीं डांगने है। हेलो, मैं तो भूल ही गई गल्ला बातें च, मैं तो मर्दाने च मिठाई वंडनी है, पूरी जागीर च वंडनी है। मैं आसा चला जा। साहिबा किधर जा रही है बेटा? मैं माही के पास। ये क्या किया तुमने माही? क्या हुआ? कितना समझाया था मैंने तुम्हें, फिर तुमने सिकंदर के हक में फैसला क्यों सुना दिया? मैंने कुछ कहा ही नहीं है किसी से, कोई फैसला सुनाया ही नहीं है मैंने। लोगों ने अगर मेरे आंसुओं को अपना फैसला समझ लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? हिरियन कहीं किसी ने समझी नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। मैं बात करती हूँ जाकर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, सब खुश हैं। क्या जरूरत है उनकी रंग में भंग डालने की, कोई फायदा नहीं। और ले भाई मिठाई खाओ, मुंह मीठा कर। और असगर अली इधर आ, ये ले। और तू क्या देख रहा है, इधर आ ना, ये ले मिठाई खा। आप भी खाओ ना फकीर से। किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है? हज बहुत अरसे के बाद हवेली में खुशी की खबर आई है, सिकंदर साईं का रिश्ता तय हो गया है। मत करो ये जुल्म अपने ऊपर। नहीं, तुम्हारे पास छोटी साईं जी, वो बाहर दरगाह से फकीर आए जी, बड़ी साईं ने दुआ के लिए बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हमारे संभालो खुद को, मैं अभी ऐसे बहुत से मकामात से गुजरना होगा तुम्हें। चलो इससे पहले कि वो खुद आ जाए हमें। सच पूछें, बड़ा जरूरी था, बड़ा अकलमंदी का फैसला किया है माही ने। खानदान में नाक कटने से बचा लिया उसने हमारी। यही अगर दूसरे लोगों में कर रहे होते तो बेवा कहकर पता नहीं कौन कौन सी शर्तें मनवा रहे होते हमसे। बात तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे माही की आंखों में खुशी की चमक नजर नहीं आती। जाहिरी सी बात है माँ जी, ऐसा फैसला करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी, आप फिक्र ना कर। पीरनी जी, बारू वड्डे सैन जेड़े ना नजर न्याज वंडदे पैन, ते दरबार तो ढेर सारे मजावर भी आए न, तो सारे तुहाडा इंतजार करदे पैन ने। आ जा बेटा, माही की सांस इंतजार कर। अरे माँ जी, मैं वहां जाके क्या करूंगा? जो नजर न्याज देनी है वो आप दे दीजिए। बड़े चाव से बुलाया उन्होंने मजावरों को माही की दुआ के लिए। आ जा शाबाश, बुरा लगा। अच्छा चले आप जाए, मैं ये फोन सुन के रहा। हाँ अच्छा, जल्दी आना। हेलो, हाँ, और नहीं भाई अभी नहीं, अभी 2-3 दिन लगेंगे और यहाँ पर। सलाम साईं लोगों। बड़े फकीर साईं के थन ओ नहीं आए जी? वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए। हम उन्हीं के हुक्म की तामील में यहाँ पे मौजूद हैं। सौ बिस्मिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। आज मेरी हवेली च बहुत खुशी दा दिन है। मेरे बड़े पुत्र साईं सिकंदर दा घर फिर रसन आला है।
मेरी लाडली मेरी नूं बन जासी। तुसा सारे उन्हां लई दुआ करो, सारे हयाती शाद आबाद हंसते वसते रहें, किसी गम किसी परेशानी दा साया ना पाए। शाला किसी रखीब किसी दुश्मन की नजर ना लगे। मेरी बद्दुआ है कि तकदीर भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेले कि दिल टूटने की तकलीफ तुम्हारी रूह को जला के राख कर दे। मेरी दुआ है कि इन्हें कभी किसी रकीब की नजर ना लगे, हमेशा शादो आबाद रहे। ऐसा ना जान दे सा, आज ते न्याज दा खाना खा के जाना, मेरे दिल दी खुशी है ना ना करना। पीछे बहुत जमेले और भकेड़े छोड़ आयो, फकीर साईं ने जाते हुए बहुत जिम्मेदारियां छोड़ दी मुझ पे। आज ते बड़े फकीर साईं आप भी आंदे ते मुंह मिठा करके ही जांदे, ते तू ते मेरे पुत्रां वरगा है, मां समझ के गाल मान लेने। रुक जाओ बेटा, जोगी तो वैसे भी अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जागीरदारनी जी इतना इसरार कर रही हैं तो मान लो उनकी बात। हाँ हाँ बोल दिया था उसे। तो क्या बात खाने का बंदोबस्त कर सकते। माही सब्र करो, माही काबू रखो खुद पर। क्या सब्र करूं, क्या काबू रखूं, मेरा दिल भट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? जानती हो तुम्हें खुद को संभाल रही हो ना, तुम जानती हो ना चारों तरफ सबकी आंखें तुम पर जली हुई है और तुम्हारी सास तो तुम्हारी भराई आवाज सुनकर परेशानी में दौड़ी चली आती है। इस वक्त तो बाबा साई और तुम्हारे लाला भाभी भाभी नहीं, भाभी नहीं। कौन? बेगम साहिबा, वो आपको साईं नाज़िम शाह बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। भाभी अपना हुलिया दुरुस्त करो माही, कहीं तुम्हारे लाला को शक ना हो जाए।
खैरियत इतनी देर लगा दी? माही की तबीयत कुछ बोझल हो रही थी इसलिए। क्या हुआ? इतनी लंबी बीमारी के बाद उठी है, चलने फिरने में थकावट हो जाती है। खैर आप बताइए, आपने क्यों बुलाया? दरअसल बाबा साईं कह रहे थे कि यहाँ वाली हवेली की रेनोवेशन करवा दी है, तो तुम और माही जाकर देख लो, अगर कोई तब्दीलियां करवानी हैं तो मैं नूरे को भेज के करवा देता हूँ। कब तक रुकेंगे इस एनेक्सी में? रखले चले जाना चाहिए। मैं कल ही जाकर अच्छी तरह देख कर तसल्ली कर लूंगी। सब खैरियत जी? लग क्यों नहीं रहे? पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तो वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया था, तो फिर दरबार पर मुजावर कौन है? हो सकता है तुम्हारे ड्राइवर से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। बस एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन उसको गौर से देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि यह फरहाद ही है। चलो बेटे, मान लिया कि तुम्हारी आंखों ने धोखा नहीं खाया, और वो मुजावर वही लड़का है जो तुम्हारा ड्राइवर था। हो सकता है कि वो बच गया हो और उसका इस दुनिया से दिल जो है वो भर गया हो और वो मलंग बन गया। इस तरह के कितने लोग हमारी जागीर में घूमते फिरते रहते हैं हर वक्त, इसमें हैरानगी की क्या बात है? अब इसी बात ने मुझे उलझा रखा है। अगर वो बच गया था तो फिर वापस अपने घर क्यों नहीं गया? इस तरह अचानक से रूपोश क्यों हो गया? हमसे मिला क्यों नहीं? और फिर इसी शहर में फकीर बन के क्यों बैठा है? बेटा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबा सही, ऐसा कुछ जरूर है जिससे हम बेखबर हैं। मैं पहले खुद पता चला लूं, फिर आपको बताता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं खुद मजार पर जाऊं। नहीं बेटा, तुमको खुद मजार पर नहीं जाना चाहिए। नूरे को बुलाओ, सुबह आ जाएगा, उसको भेजो, वो पता करे। और अगर वो वाकई वो लड़का है तो फिर तो खुशी की बात है। सेठ निसार को भी इत्तला देनी होगी, उनका कर्ज है हम पर, वो कर्ज भी उतर जाएगा, और ख़ास तौर पर उस बच्चे के बूढ़े माँ बाप, उनको सुकून आ जाएगा अपने बेटे की खबर सुनकर। ठीक है बाबा सही, मैं नूरे को बुलाता हूँ, उसकी ड्यूटी लगाता हूँ कि इस मामले की तह तक पहुँचे। गाड़ी पता नहीं कहाँ रुकी है। जनाब जनाब, ये इस ट्रेन ने तो मुल्तान स्टेशन पे नहीं रुकना था। इंजन फेल हो गया, अब दूसरा इंजन लाहौर से आएगा तो गाड़ी चलेगी। तो इसको तो चलने में बड़े घंटे लग जाएंगे। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। सलाम शाह जी। हाँ नूरे, नूरे अपने एक दो बंदे लेकर यहाँ पे पहुँच, बहुत जरूरी काम है। जी शाह जी, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, ये बात ज्यादा फैलनी नहीं चाहिए। जी जी समझे, अभी निकल रहा हूँ। इधर देख मेरी तरफ, कल से देख रही हूँ परेशान है, क्या बात है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं।
फिर तेरी आंखें तेरी जुबान का साथ क्यों नहीं दे रही है? कोई परेशानी है तो बता, मुझसे कुछ छुपाना ना माही। नहीं अम्मी जी, वो दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि जज्बाती तौर पे खुद को संभाल नहीं पा रही है। मैं कहाँ चाहती थी इतनी जल्दी कोई फैसला लेना। वो तो इसकी सास इतनी खुश थी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकी, फिर इसने भी हाँ कर दी। सब खुश तो हैं, लेकिन माही की खुशी के बारे में भी तो कोई सोचे ना। क्या मतलब? माही की खुशी हम सबकी खुशी से अलग है क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मुझे बता माही। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी खुशी आप लोगों की खुशी में है। हाँ, कुछ पता चला? अब्बा जी, वो टीटी तो कह रहे हैं कि इंजन ख़राब हो गया और दूसरा इंजन आने में पता नहीं कितना टाइम लगे। काफ़ी सारे लोग तो जा रहे हैं, सवारियां ढूंढ रहे हैं बाहर। यार अभी तो मुल्तान भी नहीं आया। भालपुर तो और भी दूर है, तो भाई कब तक इंतज़ार करेंगे यहाँ बैठ के? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है अब सारा दिन ही लग जाएगा यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ अब्बा जी कोई सवारी ढूंढते हैं, चलते हैं मुल्तान, हो सकता है वहाँ से आके कोई सवारी मिल जाए फिर भावलपुर के लिए। हाँ मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा, तुम देखो कोई सवारी में लेके आता हूँ। सवारी तो अब स्टेशन के बाहर से ही मिलेगी। अच्छा आप लेकर आए ना, मैं ढूंढता हूँ कुछ। मैं सामान उठा, बैग उठा। बहुत अरसे के बाद हवेली में खुशी की खबर आई है, सिकंदर साईं का रिश्ता तय हो गया है। तो सारे उन्हें दुआ करो, सारे हयाती शाद आबाद हंसते बसते रहें, किसी गम किसी परेशानी दसाएं न। समझ गया? जी सर। जब तक असल बात का पता नहीं चल जाता, उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो हुक्म शाहजी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैसे शाहजी, लड़का बड़ा जिदार था, इस तरह मजार पे भेस बदल के कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। डर के भागने वालों में से नहीं था वो, तो फिर क्यों इसी शहर में वो मलंग बनकर किसी मजार पर आ बैठा है? नूरे, कुछ तो ऐसा है जिसकी हमें खबर नहीं। बेफिक्र रहें शाहजी, पता करता हूँ। जल्दी पता कर और फिर बता मुझे। ठीक है सर। सुजात, सुजात मुझे दरबार पे ले जा, मैंने
मैंने दुआ करनी, दीदी के लिए दुआ करनी। अम्मी जी हमें बाबलपुर जाना है, हमें बहुत देर हो जाएगी, रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। नहीं ना, थोड़ी देर के लिए ले जा, थोड़ी देर के लिए ले जा। अच्छा अच्छा, अच्छा। अब्बा जी वो अम्मी जी कह रही हैं कि इस दरबार पे जाके फीदी के लिए दुआ करनी, थोड़ी देर रुक जाए। चलें चलो। छोटे शाहजी ने यही जगह बताई है, यही होना है, ढूंढो उसे और अगर मिल जाए, बात नहीं करनी, मुझे बता दो। सुन जरा पता कर यहाँ, यहाँ नजर न्याज कहाँ होती है? मैंने अपने बीबी के नाम की नजर न्याज दे दी। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ पता, आप आए मेरे साथ, आ जाओ।
जी। जी आप अल्लाह वाले हैं। मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करानी है आपसे। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। बड़ा प्यारा था मेरा बेटा, शहजादा था बिल्कुल। मेरे से बड़ा प्यार करता था वो। उसकी उतनी आवाजें देती हूँ, तो मेरी आवाज़ नहीं सुनता। मैं थक गई उसे आवाज़ देने के। प्लीज जी, पीर जी इतनी दुआ करानी है कि दुआ करे मैं भी उसके पास चली जाऊं। क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। प्लीज मैं इसके बगैर। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम